News 18, India. दीपांकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, ये गजबाए हिंद की बात हो रही है। मैं हैरत में हूँ रीमा, जिस प्रकार के शब्द सुन रहा हूँ, जिस प्रकार की बातें सुन रहा हूँ, और मैं क्योंकि खुद देवबंद से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है। अभी संदेश खाली में 80% हिंदुओं को गुलाम बनाने की आग शांत भी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का विचार पुनः अगर स्फुटित होता है या पनपता है तो यह उचित कहीं से नहीं है। आप लाख सफाई दीजिए, लाख बात कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद कहकर अब तक हुआ क्या क्या है, इसकी वानगी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हो क्या रहा है धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर, बल्कि आकर के इस विचार को खंडन करना चाहिए। और जिस देश में इस समय जरूरत राष्ट्रवाद की हो, एक साथ मिलकर चलने की हो, शांति और सौहार्द की हो, वहां अगर एक क्षण के अंदर गजवाए हिंद जैसा कोई विचार पनपता है तो मैं समझता हूं इसे ना तो उचित ठहराया जा सकता है और ना इसको तर्क संगत ठहराया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि कौन सा देश रहता है। दीपांकर जी, क्या हम ये मान के चले कि ऐसे मदरसों में, मैं सारे मदरसों के बारे में यहाँ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिन जिन मदरसों को लेकर और जिन जिन जगहों को लेकर रिपोर्ट से कुछ पब्लिकली, क्या वहाँ पे मासूम बच्चों को घासी बनाने की तैयारी हो रही है? जिस तरह के हालात हैं, इससे कोई अतिशोक्ति नहीं किया जा सकता। हाँ, पर इतना जरूर कहा जा सकता है, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं, और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अबहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवाए हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए, कहां होता है ये सब बातें? पाकिस्तान से आई उलझल उल वीडियोस में तो सुनने को मिलती हैं। और रीमा जी, मेरी बात किसी कागज पर लिख लीजिए, शाम में होने वाली डिबेट में आपको लाखों सुरमा मिलेंगे कि गलत को सही जस्टिफाई करेंगे। रात में होने वाली डिबेट में आपको इसी टॉपिक पर गलत बात को सही करने वाले 10 सुरमा मिलेंगे, मगर गलत को गलत कहने को कोई तैयार नहीं। मैं समझता हूं कि ये देश की जनता और सहारनपुर और उत्तर प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। और जो लोग गलत पर मौन रहते हैं वो इतना जरूर समझें कि गुना उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहते हैं। मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने शुरुआती वक्त में ही संदेश खाली का जिक्र किया, वाकई वो ऐसा दर्द है जिसे कोई हिंदू भुलाए नहीं भूल सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में, एक तो मैं अपने दर्शकों के सामने ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत के ज्यादातर मौसम चुनावी मौसम होते हैं, 2024 से ठीक पहले इस तरीके की बातें करना, ये क्या कहीं और सी साजिश चल रही है? रीमा, इसमें कोई कहने जैसी अतिशोक्ति प्रतीत होती है कि जहां यह कहा जाए कि कोई हिंदू महिला को लेकर आइए, कहां यह कोई अतिशोक्ति पैदा होती है कि कोई इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे कि महिला छोटी है या बड़ी है, बहू है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, पतियों को मारा जाए, और अगर कोई बोले तो उसके साथ मतलब हैवानियत से जैसा सलूक किया जाए, और कोई गलत को गलत कहने को तैयार नहीं। मैं ये सोच रहा हूं छोटी छोटी बात पर आसमान सर पर उठा लेने वाला विपक्ष ऐसे मुद्दों पर मौन हो जाता है, मगर इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा शर्मिंदगी, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग, मैं इतना ही कहूंगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। ये गलत बहुत गलतियां हो रही हैं। और मैं आपके पास आती हूं मौलाना साजिद रशीदी, क्या सहूलियत की राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि आपको भी गजवाए हिंद पे एक अलग परिभाषा करनी पड़ती है, और संदेश खाली को लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से खामोशी कोई ओढ़ लेता है और कोई चाहता है कि हाँ इसमें मेरा फायदा होने वाला है तो ठीक है बोल लेता हूँ? देखिए, ये सब चुनावी मौसम है, चुनावी मौसमों में इस तरह की बातें कभी ट्रिपल तलाक निकल कर आती है, कभी CAA निकल कर आता है, कभी गजवाए हिंद निकल कर आता है। आप मुझे बताइए, जो धर्माचार्य, जो स्वामी लोग मंचों पर खड़े होकर मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, मुसलमानों को देश से निकालने की बात करते हैं, अभी हल्द्वानी में क्या हुआ, मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं, एक बार बोलने को तैयार नहीं, एक बार बोलने को तैयार नहीं कि हाँ डिबेट में ही वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहा इन्होंने, कहा कहा इन्होंने, तो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बातें कही कि ऐसी बातें क्यों आ रही है, ऐसे फतवे की जरूरत क्या? ये फतवा मेरे भाई स्वामी जी, आप देवबंद में रहते हैं, देवबंद की क्या तारीख है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह सोमपाल बोलकर गए ना, अगर दारुलूम देवबंद पर किसी तरह से प्रतिबंध लग गया तो समझ लीजिए पूरा देश बचेगा नहीं। देश क्या है, देवबंद तो वो है जिसने सोचिए क्या मांगे आजादी में, मतलब बचेगा नहीं
देश नहीं बचेगा। ऑब्जेक्शनेबल आप बात, क्या जो बच्चे इस देश के, जो भारत के नागरिक हैं, जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, क्या वो उनकी शिक्षा के कोई मायने नहीं है? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दारुलूम देवबंद वो है जिसने जंगे आजादी में 60,000 उलमा कुर्बान किए, जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाइयां लड़ी है, देश को आजाद कराया है जिसने। लेकिन आज उसके ऊपर देवबंद को ये कहना पड़ रहा है कि गज़बाए हिंद इस्लाम में वैध है। स्वामी दीपांकर आप ही बेहतर बता पाएंगे। मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि बड़ी बात इन्होंने कही कि हल्द्वानी का भी जिक्र कर डाला, मगर मैं ये सोच रहा हूँ हल्द्वानी में क्या वो बहन बेटी बच्चे पुलिस वाले क्या वो आपके भाई बंधु नहीं थे जो खून से लथपथ हो गए, जो मरते मरते बचे हैं? इन्होंने पत्थर चलाया वो आप ही के लोग थे। सर 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 अपनी बारी, अपनी पत्थर जिन्होंने चलाए वो आप ही के लोग थे। सुनिए ना सर, और वहाँ के लोगों ने ये कहा है कि हमने एजेंडे के साथ बैठेंगे दूसरे को, आप मुसलमानों पे इल्जाम लगाएंगे? हमने सुन लिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तस्वीर तो साफ हो गई कि जो गज़वाए हिंद को सही ठहराते थे वो आज भी सही कहेंगे, और जिन्हें मालूम है कि ये साजिशन सब कुछ हो रहा है वो आज भी इस बात को स्वीकारेंगे कि 2024 का चुनाव सर पे है, सरगर्मियां तेज है, तो ये सब कुछ होना तो लाजमी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।